बीजेपी विधायक संदीप शर्मा ने आनंदपाल एनकाउंटर मामले को लेकर कहा कि मामला सीबीआई कोर्ट में चल रहा है और जो भी न्याय होगा वह सीबीआई कोर्ट के द्वारा ही होगा। उन्होंने कहा कि सीबीआई कोर्ट जो भी चाहेगी वह मुकदमा आगे जाकर चलेगा। पेपर लीक मामले को लेकर संदीप शर्मा ने कहा कि भाजपा की सरकार आते ही पेपर लीक मामलों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह की कार्रवाई हो रही है इसे लेकर पूरा युवा भाजपा धन्यवाद दे रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस राज में इन्होंने अपने ही नेता को बोर्ड में तैनात किया, जिसके कारण लगातार पेपर लीक की घटनाएं होती रही। संदीप शर्मा ने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा भाजपा के वरिष्ठ नेता है और वह लगातार पेपर लीक के मामले उठा रहे हैं, उनके सुझाव का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पेपर लीक के मामलों में गंभीर होती तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। उन्होंने यह भी कहा कि पेपर लीक की घटना में जो भी शामिल है उस पर कार्रवाई की जाएगी। आनंदपाल हत्याकांड में जो विषय है वो सीबीआई कोर्ट के द्वारा ये तय किया गया है और निश्चित रूप से बड़ा ही निष्पक्ष और जो भी न्याय होगा वो सीबीआई कोर्ट के द्वारा होगा और उसको सीबीआई कोर्ट जो भी तय करेगी वो मुकदमा आगे जाकर चलेगा। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद सख्त और तुरंत कार्रवाई पेपर लीक मामले में हुआ है उसके लिए आज पूरे राजस्थान का युवा धन्यवाद दे रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। और जिस तरीके से एक लापरवाही रही हो अथवा मिलीभगत रही हो, क्योंकि पिछली सरकार में कांग्रेस ने जितने भी बोर्ड थे, आयोग थे, उसमें अपने आदमियों को बैठाया था और आदमियों के रहते ये इतने बड़े लीक जो 19 बार पेपर लीक हुए वो पूरे भारतवर्ष में किसी राज्य में सबसे ज़्यादा इतनी बार परीक्षाएं लीक हुई थी। लाखों विद्यार्थियों का, परीक्षार्थियों का भविष्य खराब हो गया था। इन सबको लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत चिंतित हैं, गंभीर हैं और पूरी तरीके से जो किरोड़ी लाल जी मीणा साहब है, हमारे आदरणीय वरिष्ठ नेता है, बहुत जुझारू हैं। उनके हर बात के, हर सुझाव का भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने सम्मान किया है और उनके हर सुझाव की पालना की जाएगी। परंतु मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अगर कांग्रेस इस विषय में, कांग्रेस की सरकार इस विषय में गंभीर होती तो ये कार्रवाइयाँ यदि पहले हो गई होती तो वास्तव में अभी तक जिन लोगों का सीधे सीधे इन्वॉल्वमेंट है वो निश्चित रूप से, पर आगे आने वाले समय में इस पेपर लीक प्रकरण में मुझे पूर्ण विश्वास है कोई भी जो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है वो किसी भी प्रकार से नहीं बचेगा, उसको जेल के सीखचों के पीछे जाना ही पड़ेगा।